Hello everyone, welcome to Gunjan's biology classes. This side Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 15 of your class plus 1, that is plant growth and development. So ye hamari plant physiology ka last chapter hai, uska last part aaj hum karne wale hain, isse ye chapter hamara complete ho jayega. सो हम इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. इन द सेकेंड पार्ट वीडियो हमने प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं. इसमें बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो है फोटोपीरियडिज्म एंड दूसरी है वर्नलाइजेशन. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बट अगर आपकी शायद आपकी क्लास एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन आए, गेस इस बार नहीं आए हैं बिकॉज सिलेबस से इनको शायद डिलीट कर दिया गया था, बट ये आपके नीट एग्जाम्स में बहुत मतलब इट्स प्लेज अ सम रोल बिकॉज समटाइम्स इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. सो वी विल नॉट लीव दिस पार्ट और ये हम एनसीईआरटी के को फॉलो करते हुए ये करने वाले हैं. सो प्लीज रीड दी एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप रीड कीजिए और आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग अंडर दिस वीडियो. फर्स्ट इज की बेसिक इंटरेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा अ लिटिल बिट हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अ बिट इंटरेक्शन आपस में, ठीक है, एट द sometimes play synergistic role और sometimes एक अकेले भी role play करते हैं, ठीक है. Then हम second इसके factors को देख लेंगे कि intrinsic और extrinsic factors हैं जो plant growth regulators को affect करते हैं, कौन से वो factors हैं उनके हम लोग basically नाम study करेंगे. उसके बाद हम flowering एक important part है हर plants में, ठीक है, तो उनके ऊपर light और temperature का क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्लावरिंग के ऊपर, उसको हम लोग देखने वाले हैं. तो जो लाइट का रोल है फ्लावरिंग के ऊपर वो फोटोपीरियडिज्म से स्टडी करेंगे और जो टेम्परेचर का रोल है फ्लावरिंग के ऊपर वो वर्नलाइजेशन कहलाता है. तो ये हम लोग बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है. तो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं, वो हम लोगों ने कौन से हॉर्मोन्स पढ़े थे आप याद कीजिए. हमने 5 हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड 1 हमने गैशियस हॉर्मोन पढ़ा था, कौन सा था, इथाइलिन. और इनमें से स्ट्रेस हॉर्मोन अगर आप याद कीजिए कौन सा था, एब्सिसिक एसिड. तो समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हिच इज द स्विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेस हॉर्मोन, सो योर आंसर इज एब्सिसिक एसिड. ओके, तो ये 5 हॉर्मोन्स हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में कवर किए थे. हमने इनके बायो एसिड्स पढ़े थे, इनके रोल्स पढ़े थे कि प्लांट्स में इनके रोल्स क्या क्या है और हमें कहाँ से बेनिफिट होता है, ठीक है. तो आज हम लोग इसमें इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं कि इनकी इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी रोल प्ले करते हैं और समटाइम्स वो एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक रोल प्ले करते हैं. सिनर्जिस्टिक रोल मतलब 2 या 3 हॉर्मोन्स इकट्ठे कोई रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इकट्ठे काम कर रहे हो तो हमेशा आप मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही होगे, सबकी राय एक जैसी ही होगी, ऐसा नहीं होता. कुछ लोग डिफरेंट राय रखते हैं, एक की राय अलग है, दूसरे की राय अलग है. सो समटाइम्स दे प्ले कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स एंड समटाइम्स दे प्ले अलग से एंटागनिस्टिक रोल. एंटागनिस्टिक मीन्स नेगेटिव, अपोजिट, आपस में एक दूसरे से अलग. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे के साथ काम करना, ठीक है. तो ये हम लोग इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो इंडिविजुअली भी बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया, और साथ में भी काम करते हैं. कुछ रोल्स उनके कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं और कुछ रोल्स उनके एंटागनिस्टिक रहते हैं. तो अब जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं डोरमेंसी. डोरमेंसी मीन्स कि सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देना, तो उसकी डोरमेंसी को अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है. जैसे कि बर्ड्स में उसको एब्सिशन, फ्लावरिंग में भी काम करते हैं, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, ये सारे के सारे रोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के. तो ये सब में अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है.
तो जो मोस्ट केसेस में अगर क्वेश्चन जो आता है आपके, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड अगर आप देखेंगे, वो हमेशा एंटागनिस्टिक रोल प्ले करता है जिब्रेलिक एसिड्स के। तो एब्सिसिक एसिड एंटागनिस्टिक है, अलग है, अपोजिट है जिब्रेलिक एसिड के, ठीक है। बिकॉज एब्सिसिक एसिड एक हम लोग इनहिबिटर है, प्लांट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, और जिब्रेलिक एसिड क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है, ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये दोनों के रोल्स जो होते हैं वो एंटागनिस्टिक होते हैं। अगर आप इसको पीछे वीडियो में जाके देखें और इनके रोल्स को कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग हमेशा एंटागनिस्टिक रोल्स प्ले करते हैं। और आप इस वीडियो में भी देखिए, इस पिक्चर में भी देखिए, इसमें भी आपको यही दिखाने की कोशिश कर रखी है कि कुछ हॉर्मोन्स तो सिनर्जिस्टिक रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ कुछ एंटागनिस्टिक रोल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, रूट की ग्रोथ में कौन से हॉर्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं, शूट की ग्रोथ में कौन से हॉर्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये आपको इससे एरो से यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। सो ये हमारी इंटरेक्शन से हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअली भी रोल प्ले करते हैं और सिनर्जिस्टिक रोल्स भी प्ले करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है सिनर्जिस्टिक रोल, और एंटागनिस्टिक भी हो सकता है। और एब्सिसिक एसिड हमेशा एंटागनिस्टिक काम करता है जिब्रेलिक एसिड के। ओके, सो इसके बाद हम लोगों ने बात करी सेकंड टॉपिक की, कि फैक्टर्स कौन से प्लांट ग्रोथ अफेक्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक्शंस को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स है, वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मीन्स इंटरनल फैक्टर्स। सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, की बाहर के आउटसाइड एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अगर आप फैक्टर्स को देखें, बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्लांट के रोल्स को कौन कौन इम्पैक्ट करता है। लाइट, ऑब्वियसली लाइट हम पढ़ने वाले हैं आगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, बट हमें पता है लाइट और टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूटेंट्स एंड सम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, जो कि हम लोग सॉइल से लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और इंटरनल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारे न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, ये आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको याद हो, मिनरल न्यूट्रिशन में हम पढ़ चुके हैं। और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स, पांच ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने लास्ट लास्ट वीडियो में कवर किए थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन एंड इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सो ये पांच हमारे हॉर्मोन्स हैं, प्लांट हॉर्मोन्स हैं, जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ को लेकर एक फैक्टर्स की साइट बनी हुई है। ये आपका टॉपिक एनसीईआरटी में था। ओके, सो आप बेसिकली आज का हमारा मेजर टॉपिक जो आ जाता है वो है कि लाइट और टेम्परेचर का रोल फ्लावरिंग पे क्या पड़ता है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म अगर हम बात करें, फोटो, फोटो मीन्स लाइट, लाइट का पीरियड, पीरियड लाइट का कितना पीरियड प्लांट्स के ऊपर पड़े कि वो फ्लावरिंग कर जाएं। या फिर अगर आप बात करें फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मतलब कि प्लांट्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा लाइट, लाइट को लेकर, जब मतलब ड्यूरेशन एज वेल एज पीरियड ऑफ डे एंड लाइट, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे टू द पीरियड्स ऑफ फोटो, फोटो मीन्स लाइट, वो पीरियड्स ऑफ डे या नाइट, यानी कि जो डे लेंथ या नाइट लेंथ है उसका कितना पीरियड है जो प्लांट्स के ऊपर प्लांट प्लांट्स के ऊपर जब पड़ता है तो प्लांट्स उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। हम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं सबके, जैसे क्या होता है कि सीजनल होते हैं, सीजनल होते हैं, यानी कि फ्रूट्स अगर आप देखें तो कुछ विंटर सीजन में आते हैं, कुछ समर सीजन में आते हैं, है ना, कुछ स्प्रिंग सीजन में आते हैं तो कुछ ऑटम सीजन में आते हैं। तो कुछ ये फ्रूट्स होते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आते हैं। आजकल जो हम लोग स्टोरेज पे चल जाता है कि हम लोग स्टोर कर देते हैं तो सारे फ्रूट्स हमें सारे सीजन में मिल जाते हैं, बट बेसिकली अगर आप देखें तो प्लांट्स तो जो हमें है कुछ विंटर्स में ही देते हैं। जैसे एप्पल है, आपको विंटर्स में ही प्लांट्स देते हैं, और समर्स में जैसे कि मैंगो देख लीजिए, समर्स में आता है, ठीक है।
तो ये कुछ ये प्लांट्स का प्लांट्स के ऊपर लाइट का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, कि वो किस सीजन में फ्लावर करने देता है उस प्लांट को, या प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है किस सीजन में फ्लावर करता है, ठीक है. तो उसको कितनी लेंथ चाहिए डे की, या लाइट की रिक्वायरमेंट उसको कितनी है. अगर किसी को ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको लॉन्ग डे प्लांट्स बोला जाता है, किसी को कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है, ठीक है. तो बेसिकली प्लांट्स को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो फ्लावर को इंड्यूस कर सके. अगर लाइट पड़ती है तभी उसके अंदर फ्लोरल बढ़ जाते हैं और उसके अंदर फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में. तो हमारे पास लाइट ड्यूरेशन को बेसिस रखकर प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रुप है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा ग्रुप है शॉर्ट डे प्लांट, एंड तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है. और इसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, क्रिटिकल ड्यूरेशन. क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब है कि कोई भी कितनी लाइट प्लांट को रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी लाइट प्लांट को रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं उसका क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक है. क्रिटिकल ड्यूरेशन से अगर ज्यादा, ठीक है, दे प्लांट्स को लाइट की जरूरत पड़ रही है तो उसको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं. अगर किसी को क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसी प्लांट्स को, कि ताकि वो फ्लावरिंग को इनिशिएट कर पाए, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है. और किसी का कोई रिलेशन नहीं है लाइट के एक्सपोजर से, कि लाइट अगर उसके ऊपर पड़ेगी तभी वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, तो उसको डे न्यूट्रल प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है. तो बेसिकली 3 तरह के प्लांट्स हैं, 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हो गए, जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है ताकि वो फ्लावरिंग को अपने अंदर इंड्यूस कर सके. और शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से हैं, जिनको फ्लावरिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की रिक्वायरमेंट है ताकि उनके अंदर फ्लावरिंग हो सके. डे न्यूट्रल प्लांट, जिनका कोई रिलेशन नहीं है कि लाइट का एक्सपोजर ही इंडक्शन करेगा, इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को. ओके, सो दैट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स. अगर आप इस पिक्चर में देखिए कि शॉर्ट डे प्लांट्स तब फ्लावर करता है जब डार्कनेस, उसको डार्क पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है. तो ये बेसिकली अगर आप देखें क्रिटिकल नाइट लेंथ है, तो ये लाइट पीरियड है, ये डार्क पीरियड है. ये अगर हम देखें लाइट पीरियड है, दिस वन इज डार्क पीरियड, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लांट है, ठीक है, हमारा प्लांट है. तो ये शॉर्ट डे प्लांट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए जो ये क्रिटिकल क्रिटिकल पीरियड है डार्कनेस का, उससे मतलब कि लाइट उसमें ज्यादा मिल रही है, डार्कनेस कम है, तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी. इसमें डार्कनेस ज्यादा है और लाइट पीरियड कम है तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई. बट अगर आप इसमें देखिए इस वाली पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है, कि यहाँ देखिए डार्कनेस का पीरियड तो ज्यादा है बट वो इंटरप्टेड है. इंटरप्टेड कैसे, उसको बीच बीच में लाइट मिल रही है, उसको बीच बीच में लाइट मिल रही है, तो उसका जो डार्क पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है. उसको अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए तभी उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, दैट आर कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है. सिमिलरली अगर आप लॉन्ग डे प्लांट की बात करें, कि डार्कनेस का जो पीरियड है वो क्रिटिकल नाइट लेंथ से कम होना चाहिए, यानी कि लाइट पीरियड इसमें ज्यादा होना चाहिए. अब इसमें देखिए, इसमें लाइट पीरियड ज्यादा है, ठीक है, लाइट पीरियड ज्यादा है, डार्कनेस कम है, ठीक है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग हो गई. इसके अंदर डार्कनेस ज्यादा है, लाइट कम है, तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई. अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो लाइट पीरियड तो कम है ऑल दो, बट बीच बीच में जो डार्कनेस के बीच में उसको लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है. ओके, सो हमने 3 तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो आप इसका मतलब अब ये नहीं समझेंगे कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं कि वो समर प्लांट्स हैं और समर सीजन में ही आते हैं सारे के सारे, या शॉर्ट डे प्लांट्स हैं तो वो विंटर सीजन में ही आते हैं, क्योंकि विंटर में डे लेंथ कम होती है और समर्स में डे लेंथ ज्यादा होती है. ऐसा नहीं होगा, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप विंटर, W स्टैंड्स फॉर विंटर, S स्टैंड्स फॉर समर, तो
तो यहां से जब हम विंटर से समर की तरफ जाते हैं, जब आप विंटर से समर की तरफ आते हो तो आपका जो डे लेंथ है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ना। विंटर विंटर सीजन में जब आप समर की तरफ आते हो तो डे लेंथ आपकी बढ़ जाती है, लाइट का टाइम बढ़ जाता है। और जब आप समर से विंटर की तरफ आते हो तो जो डे लेंथ है आपकी वो कम हो जाती है। जब आप समर से विंटर की तरफ आते हो तो डे लेंथ कम हो रही है, और विंटर से समर की तरफ आ रहे हो तो डे लेंथ बढ़ रही है। तो जब डे लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, जब डे लेंथ बढ़ रही है तो दैट मीन्स वो लॉन्ग डे प्लांट है। LDP स्टैंड फॉर लॉन्ग डे प्लांट। और जब समर से विंटर की तरफ आ रहे हो और डे लेंथ कम हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट, SDP। ठीक है, वन इज LDP एंड नेक्स्ट इज SDP। तो विंटर से समर की तरफ आते हुए जब डे लेंथ बढ़ती है तो उन प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है, और जब समर से विंटर की तरफ आप आ रहे हैं तो डे लेंथ कम हो रही है तो उसको शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। ओके, और LDP में डे के साथ साथ नाइट लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर डे पीरियड हमें ज्यादा चाहिए तो हमें नाइट पीरियड कम चाहिए होगा, और अगर हमें डे लेंथ कम चाहिए तो नाइट पीरियड हमें ज्यादा चाहिए होगा। यानी कि लाइट एंड डार्कनेस का ही इम्पैक्ट है। बट आप लोग सिंपली विंटर ऐसा नहीं बोल सकते कि विंटर्स में शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं और समर्स में लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, दिस इज रॉन्ग। विंटर से समर की तरफ जाते हुए जो फ्लावर करे प्लांट उसको लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है, और जो समर से विंटर की तरफ आते हुए प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं उनको शॉर्ट डे प्लांट्स बोला जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शूट एपिक्स है, शूट एपिक्स जो होता है, ठीक है, एक पीरियड होता है। देखिए, पहले वेजिटेटिव स्टेट आती है प्लांट्स की, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन होती है, वेजिटेटिव स्टेट आ जाती है, ठीक है, जर्मिनेशन हुई, सीड सीड की सीड जर्मिनेशन हुई, जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन हुई तो उसकी वेजिटेटिव स्टेट आ गई। वेजिटेटिव स्टेट के बाद उसकी फ्लावर स्टेट आती है, यानी कि फ्लोरल स्टेट आती है। फ्लोरल स्टेट में क्या होता है कि बर्ड्स आते हैं, उसमें फ्लावरिंग होती है और देन फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो जो शूट एपिक्स होते हैं वो फ्लावरिंग एपिक्स में मॉडिफाई होते हैं। तो उसी टाइम पे, उस टाइम पे जब इस टाइम पे इनको जर्मिनेशन से वेजिटेटिव स्टेट में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पर जब शूट एपिक्स यानी कि वेजिटेटिव से जब वो फ्लोरल स्टेट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, जब उसकी शूट एपिक्स यानी कि आप ये प्लांट्स देखिए, यहाँ पे ऐसे एपिक्स होती है ना, जब ये यहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर बन चुका है, फ्लोरल बड बन चुका है, तो यहाँ पे वो फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर पाएगा। तो जो साइट ऑफ परसेप्शन या टाइम ऑफ परसेप्शन है डार्कनेस और लाइट पीरियड का, वो लीफ लीफ वाली स्टेट पे रहता है। तो उसकी लीफ जो मेच्योर लीफ होती है, जो मेच्योर लीफ होती है, इसी पीरियड पे लाइट और डार्कनेस का इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, फ्लावरिंग स्टेट पे नहीं पड़ता। तो मेच्योर लीव्स जो होते हैं उसके, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखने वाला है, जो उसके मेच्योर लीव्स होते हैं वही साइट ऑफ परसेप्शन है लाइटनेस, लाइट और डार्कनेस पीरियड का, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ से हार्मोन कुछ रिलीज होता है, ठीक है, इट इज हाइपोथाइज्ड दैट, हाइपोथेसिस इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी तक वो हार्मोन आइसोलेट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो एक हार्मोन होता है फ्लावरिंग हार्मोन होता है, तो जब प्लांट्स को इनफ लाइट मिल जाती है, फोटो पीरियड मिल जाता है, डार्कनेस या लाइटनेस जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जब उसको उतनी मिल जाती है, तो वो जो हार्मोन होता है वो लीव से शूट एपिक्स की तरफ मूव करता है और यहाँ पे उसकी फ्लावरिंग हो जाती है। ये लीफ है, यहाँ से वो शूट एपिक्स की तरफ मूव करेगा और फ्लावरिंग फ्लोरल बर्ड्स को बनाएगा और फ्लावरिंग हो जाएगी, और वो हार्मोन फ्लोरीजन बोला जाता है उसको बेसिकली, बट उसको आज तक आइसोलेट नहीं किया जा सका। तो इट इज एन हाइपोथाइज्ड हार्मोन। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं तो इस पे भी शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग डे प्लांट्स और
शॉर्ट डे प्लांट के बारे में आपको बताया हुआ है कि फ्लावरिंग कब करेगा, इसको शॉर्ट लाइट पीरियड, ये लाइट का पीरियड है, ये डार्कनेस का पीरियड है, इसको 8 आवर्स की सनलाइट मिल रही है और इसको 16 आवर्स का डार्क पीरियड मिल रहा है, यानी कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो ये शॉर्ट डे प्लांट हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसको जब शॉर्ट डे प्लांट्स को डार्कनेस का पीरियड ज्यादा मिल रहा है, लाइट कम मिल रही है, तो इसमें फ्लावरिंग हो गई। बट अगर आप देखिए इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, अन इंटरप्टेड डार्क पीरियड मिल रहा है तभी फ्लावरिंग हुई है, इसमें इस पीरियड में इसको 8 आवर्स की बहुत कम लाइट इंटेंसिटी मिल गई, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, ये वेजिटेटिव स्टेट में ही रहा आपने, बिकॉज उसको अनइंटरप्टेड डार्कनेस पीरियड रिक्वायर्ड है तभी फ्लावर वो करेगा। इसमें आप देखिए कि इसमें भी लाइट टाइम तो कम था, डार्कनेस ज्यादा थी, बट उसमें बीच में इसको फ्लैश ऑफ लाइट दे दी, बीच में एक छोटी सी फ्लैश ऑफ लाइट दे दी, जिसके कारण अनइंटरप्टेड डार्कनेस पीरियड नहीं रहा और प्लांट जो है वो वेजिटेटिव ही रहा, उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ओके, सो दिस इज द फोटो पीरियडिज्म। So this concept is clear with you, okay? Then let's move to the next topic, that is vernalization. Vernalization. Vernalization का क्या मतलब है? इसकी अगर आप definition देखें, तो ये एक ऐसा phenomenon है जो plants में होता है, और plants किसके ऊपर depend करते हैं? Quantitative और qualitative. Quantitative और qualitative on exposure to low temperature for flowering. एक ऐसा फिनोमिना जो ये बोलता है कि प्लांट्स जो उसको कम टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, कितना कम? कम से कम 7 डिग्री से कम हो, 7 डिग्री से कम हो टेम्परेचर, और कितना टाइम के लिए? अगर हम क्वान्टिटेटिव की बात करें तो 7 डिग्री से कम हो, क्वालिटेटिवली मतलब कितना कम? अप्रोक्सीमेटली 7 डेज या 7 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड तो होना चाहिए, ठीक है। सो ये लो टेम्परेचर प्लांट्स को चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। तो इससे फायदा क्या होता है, वर्नलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है, क्यों प्लांट्स को रिक्वायर्ड है लो टेम्परेचर ताकि वो फ्लावर कर सके? उसको सपोज लो टेम्परेचर 7 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, 7 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए, और 7 से 10 दिन 7 to 10 days से का लो टेम्परेचर चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। ऐसा क्यों चाहिए? ताकि प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मीन्स कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो एक टाइम पे ही हमारे मैच्योर करें, ठीक है। तो उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वर्नलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है उसको स्टडी करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो फ्लावरिंग सारे के सारे प्लांट्स एक ही टाइम पे कर पाए, ठीक है, और सारे के सारे प्लांट्स के पास सफिशिएंट टाइम हो ताकि वो मैच्योरिटी तक पहुंच सके। जैसे कि हम बात करें कि सारे के सारे प्लांट्स एक साथ मैच्योर कर पाए। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो 2-3 तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक एनुअल प्लांट्स हो गए, एक बायनियल प्लांट्स हो गए, एक पेरिनियल प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो आपको तीनों प्लांट्स के बारे में पता है, एनुअल प्लांट, बायनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो अगर हम इसमें वेराइटीज की बात करें, कुछ प्लांट्स, अगर आप वीट की बात करते हैं, वीट, यू नो वीट, हमारे पास वीट्स की 2 वेराइटीज होती है बेसिकली, एक स्प्रिंग वेराइटी होती है, एक विंटर वेराइटी होती है। विंटर वेराइटी के बारे में तो आप सबको पता होगा, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग वेराइटी होती है और एक विंटर वेराइटी होती है। तो विंटर वेराइटी में हम लोग, ठीक है, विंटर, समर, ऑटम, ठीक है, और स्प्रिंग। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं, जब हम लोग को सो करना है, हमें सो, हम लोग अगर हम वीट की बात कर रहे हैं, हम वीट को ऑटम टाइम में सो कर देते हैं, ठीक है, इसकी थोड़े से सीड्स बन जाते हैं, ठीक है, इसकी जर्मिनेशन हो गई सपोज, ठीक है, जर्मिनेशन हो गई प्लांट की, जर्मिनेशन हुई, जर्मिनेशन होने के बाद विंटर सीजन आ गया, विंटर सीजन आया तो विंटर सीजन में कोल्ड वेव आती है। अगर आपको आपको पता होगा कि विंटर्स में क्या होता है,
सात से दस दिन कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहता है जब बहुत ठंड होती है, सूरज मुश्किल से ही दिखता है, तो जो वो टाइम पीरियड होता है वो वर्नलाइजेशन का काम करता है। उस टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ रुक जाती है और वो सारे के सारे, ठीक है, उसके अंदर वर्नलाइजेशन आ जाती है, उसमें सारे के सारे प्लांट्स एक साथ जर्मिनेट कर जाते हैं, उनके पास टाइम पीरियड होता है, उसमें ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद उनको वो रिक्वायर्ड होता है कि वो फ्लावरिंग कर पाए, ठीक है, रिक्वायर्ड, ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है ताकि वो फ्लावरिंग कर पाए। उसके बाद आफ्टर विंटर पीरियड उनकी ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है, उनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब ग्रोथ स्टार्ट हो गई, रीस्टार्ट हो गई ग्रोथ, ठीक है, स्प्रिंग सीजन उसने कवर किया और समर्स में हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को, समर्स में क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाती है, आपको पता हो, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब कि क्रॉप कट जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना विसाखी के टाइम पे अप्रैल में हमारी क्रॉप कट जाती है, तो हम लोग को वो मिल जाती है। तो बेसिकली विंटर पीरियड इसको क्यों चाहिए, ताकि जो 7 to 10 days का टाइम है वर्नलाइजेशन का वो उसको मिल पाए और सारे के सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो कर पाए और उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस, फ्लावरिंग हो जाए, ठीक है। सो ये विंटर वेराइटी और सब स्प्रिंग वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी हमारे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये नहीं सो की जाती, बिकॉज इसके अंदर कहा जाता है कि उनकी जो यील्ड होती है वो कम होती है, तो ये बेसिकली कम कम सो की जाती है हमारे यहाँ, हमारे नहीं मिलती है नॉर्थ इंडिया में, विंटर वेराइटी ज्यादा मिलती है। तो स्प्रिंग वेराइटी नॉर्मली प्लांटेड स्प्रिंग में की जाती है, फ्लावरिंग होती है और ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, जबकि विंटर वेराइटीज जो होती हैं वो स्प्रिंग में सो करते हैं हम लोग और वो फ्लावर नहीं कर पाती विंटर में, उसको टाइम मिल जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ स्प्रिंग आएगा, मैंने ऑटम लिख दिया, यहाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज रीचेक, स्प्रिंग आएगा यहाँ पे और यहाँ ऑटम आएगा, ओके। स्प्रिंग सीजन में सो किया जाता है और विंटर में उसको वर्नलाइजेशन का इम्पैक्ट मिल जाता है, ऑटम में वो फ्लावर कर जाता है और समर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो ये वर्नलाइजेशन का टाइम पीरियड रहता है। आप यहाँ देखिए इस प्लांट में कि इसको कोई कोल्ड का एक्सपोजर नहीं मिला, तो इसमें वर्नलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं आया, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। इसको 1 to 2 weeks का कोल्ड एक्सपोजर मिला तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई। इसको कोल्ड एक्सपोजर का टाइम ज्यादा मिला था, 3 to 6 weeks का मिला था, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो गई। तो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से आपके अंदर प्लांट्स में चलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन में डिफरेंस देखें, तो जो फोटो पीरियडिज्म है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, और वर्नलाइजेशन क्या करते हैं, फ्लावरिंग करता है। इंडक्शन करना, इंड्यूस करना और फ्लावरिंग करना दोनों डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। सो वर्नलाइजेशन अगर हम लोग बाइनियल प्लांट्स में देखिए, बाइनियल प्लांट्स में अगर हम लोग वर्नलाइजेशन देखें, तो बाइनियल प्लांट्स वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली फ्लावर करते हैं एक सीजन में और दूसरे सीजन में डाई कर जाते हैं, जैसे कि शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, ये सम ऑफ द बाइनियल प्लांट्स है। तो इनको कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट करती है, इनको कोल्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ फोटो पीरियडिज्म भी चाहिए होता है ताकि इनके अंदर फ्लावरिंग हो पाए, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स में अगर हम बात करें फोटो पीरियडिज्म के, वर्नलाइजेशन के साथ साथ फोटो पीरियडिज्म भी चाहिए ताकि वो फ्लावरिंग फ्लावरिंग कर पाए। तो अगर आप देखिए स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है, इसको चिल्ड किया गया फॉर अ मंथ ऑफ 1 महीने के लिए 5 degrees Celsius पे, उसके बाद उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रख दिया गया, ठीक है। तो यानी कि उसको वर्नलाइज्ड प्लांट मिल गया, ये उसको वर्नलाइजेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया और वो फ्लावर कर गया, ठीक है। जबकि अगर इसमें देखिए इस प्लांट को कोई चिलिंग नहीं दी गई, प्लांटेड किया गया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर वर्नलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं आया, ये नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट है, इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं। तो इस तरह से आप लोग फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियडिज्म का इम्पैक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं इसमें, देखिए ये वीट हो गया, राई हो गया, बार्ले हो गया, इनकी मैंने बोला दो वेराइटीज हमारे यहाँ होती हैं, एक स्प्रिंग वेराइटी और एक विंटर वेराइटी, ठीक है। ये देखिए कैबेज देखिए, रेडिश देखिए, ठीक है, कैरेट देखिए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। सो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव स्टडीड, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। सो इसमें से कुछ क्वेश्चन समटाइम्स आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, सो प्लीज गो थ्रू द
NCERT book, study your NCERT book thoroughly and then see these videos and then solve the questions as well. Okay. And if you guys have any doubt, you can message me in the comment box. I'll get back to you. And if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And please subscribe to this channel. If you guys are new to this channel, please press the bell icon so that you receive the further notifications. Okay, so I have so with this video, we have completed this plus one botany. So now see you tomorrow with the next class videos. Okay, so we are going to start a new class and that is a surprise for you. So we'll see you tomorrow. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Thank you.